बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। देखो, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या चीजें हमने इसमें की थी, फिर से करेंगे सब। आ जाओ, ध्यान देना। देख तो बेटा क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको कितना आसान है, आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बताओ मैं कौन से टाइप के आते हैं, जो आपको नहीं आते हैं वो एग्जाम में आते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर आपका गलत हो गया, आपको डर लग रहा है उस क्वेश्चन से, अगर ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, तो समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है, वही आने वाला है। और जो आपको एकदम आसानी से आ गया, बहुत इजी लग रहा है, वो एग्जाम में चांसेस बहुत कम है उसके आने के। यस और नो? तो आज के बाद अब कभी ये मत पूछना कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको नहीं आता है या फिर जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर सर? ये ऐसे कैसे बोला आपने? क्योंकि इंस्टीट्यूट को 60 साल का एक्सपीरियंस है। इंस्टीट्यूट जब से पैदा हुई है तब से वो देख रही है ना, उनको भी समझ में आता है कि एग्जाम में जब ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व ही नहीं करते। उनके पास डेटा रहता है हर चीज का, तो उनको सब मालूम है ये सब्जेक्ट में, ये टॉपिक का, ये कॉन्सेप्ट का, ये सब कॉन्सेप्ट में ये एडजस्टमेंट बच्चों को नहीं आती है। उनके पास भी डेटा है 60 साल से, वो भी देख रहे हैं आपको। आपके लिए इंस्टीट्यूट को आप पहले साल में देख रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट आपके जैसे करोड़ों बच्चों को पिछले 60 साल से देख चुकी है, तो इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसे बरोबर पता है कि कौन सी चीज़ बच्चों को टफ लगती है और वो पेपर में वो पूछ लेते हैं। यस और नो? चलो आ जाओ, अभी ध्यान देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कत्रक आपको किसके बुक में एंट्री करने के लिए बोला है? कत्रक के। ऐसा बोला है कत्रक का एक्सेप्टेंस टू बासु, मतलब कत्रक ने बासु के लिए बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब कत्रक के लिए क्या था, बिल पेबल। कत्रक ने एक्सेप्ट किया था ना बासु के लिए, तो उसके लिए क्या था, बिल्स पेबल फॉर रुपीज 2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट। कत्रक ने कैश पेमेंट किया 1000 का, एंड न्यू बिल एक्सेप्ट किया फॉर द बैलेंस। बोलो 2500 में से 1000 गए तो बैलेंस कितना बचा, 2500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 1500 बैलेंस। इसे कहते हैं बैलेंस, बैलेंस प्लस प्लस 50 50। तो बताओ नया बिल कितने का हो गया, बोला है ना न्यू बिल। ये बात समझ में है सभी को? कुछ नहीं, अंग्रेजी में लिखा था उसको मैथमेटिकली लिख दिया। आगे देखो और क्या बोला है। और ये 50 किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि हमने पूरा पैसा नहीं दिया ना, हम 1500 बाद में देने वाले हैं, तो उस 1500 के ऊपर 50 का क्या है, इंटरेस्ट। और नया बिल कितने का है, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, यानी 1550। हमने अभी कैश कितना दिया, 1000 रुपये। तो बिल पेएबल कितने का था, पुराना वाला, तो बिल पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये ख़त्म हो गया ना पूरा, और बोलो इसके बदले पैसे कितने दिए, टू कैश 1000। और नया बिल कितने का है, टू न्यू बिल पेएबल कितने का है, 1550। इस 50 में इंटरेस्ट है क्या, 1500 में, 1550 में इंटरेस्ट है क्या, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50। ऐसा भी कर सकते हैं, बोल अलग अलग करके बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री, बिल पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बासु, पुराना वाला बिल पहले कैंसिल करो क्योंकि मैं पूरा पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, पार्ट पेमेंट है, मतलब बिल डिसऑनर ही हो गया समझो, पार्ट पेमेंट है मतलब बिल क्या हुआ, डिसऑनर। तो पहले बिल कैंसिल करूँगा, कत्रक के बुक में एंट्री है ना, कत्रक के लिए बिल पेएबल था, बासु फिर से मेरा क्रेडिटर बन गया। अब उसके बाद बासु ने बोला ब्याज भी देना पड़ेगा, हाँ भैया ब्याज भी डेबिट करके रखता हूँ, ये ले ब्याज टू बासु कितना है। अब बासु को टोटल कितना देना है, ये 2500 प्लस ये 50,
तो टोटल कितना देना है? 2550। इसमें से बासु को कितने दे दिए? घाई कर दे रहे बच्चे, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। बरोबर, ये 1000 दे दिए। बोलो कितना देना है बासु को? 2550 में से 1000 दे दिए। बोलो बचा कितना? अब बचे हुए के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? न्यू बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये ऐसा कर लो, कैसे भी करो, जो आपकी इच्छा। हाँ बोल बेटा, सब चलेगा चलेगा चलेगा, जब तक आपका मीनिंग सेम है। 1756 प्रकार से आप एंट्री पास करो, चलेगा। बरोबर है, मैंने दो तरीके से बता दिया, और एक दो तरीके से बता देता हूँ। ट्रांजेक्शन समझ में आए क्या? पहले तो ये बताओ सब लोगों को, जो बच्चे अब्सेंट है, कि आप लेक्चर देख रहे हो? देखो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये था कत्रक और ये था बासु। बासु ने कत्रक के ऊपर बिल ड्रॉ किया, कत्रक के लिए बिल पेएबल था, बासु के लिए बिल रिसीवेबल था। बिल पेएबल था 2500 का, इसके लिए बिल रिसीवेबल था 2500 का। ड्यू डेट के दिन कत्रक ने बासु को कितना दिया? 2500 में से 1000 दे दिया। बचा कितना? 1500। और ये 1500 ये कतरक बोल रहा है मैं बाद में दूंगा फ्यूचर में, तो बासु ने बोला ठीक है बाद में देगा, तो तुझे प्लस इंटरेस्ट भी देना होगा। कतरक बोला ठीक है, तो अब टोटल कितना देना है? 1550। इसके लिए न्यू बिल एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गई कहानी। तो अब ये जो ओरिजिनल बिल पेबल था ना 2500 का, अब ये कतरक इसके लिए पेमेंट कर रहा है 1000 का, तो बिल पेबल कम हुआ ना, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 2500, इसमें से दिया कितना? 2 कैश, 1000 बचा कितना बेटा? 1500। बरोबर है क्या? बासु ने बोला बचे हुए के लिए क्या और इंटरेस्ट के लिए। सर इंटरेस्ट आया क्यों? अरे बाबा 2500 आज देना था, 1000 दे दिया, बचा 1500। फ्यूचर में दे रहा है, लेट दे रहा है, लेट दे रहा है, तो उस 1500 पे ब्याज कितना ले रहे हैं? 50। और इसके लिए नया बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने सिंगल एंट्री भी करके बताई, चार एंट्री भी करके बताई, दो एंट्री भी करके बताई, जिसको जो अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि तीनों भी चीज़ें आपको पसंद आएगी। बच्चों मन में डाउट रहता है सर ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया, चलेगा। एक सिंगल एंट्री सिर्फ करना है तो यहीं पे भी हो सकता है। इंटरेस्ट हमारे ऊपर ड्यू होने वाला है ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 नया बिल पेएबल, ऐसे भी चलेगा। डन। पुराना वाला बिल पेएबल कितने का था? 2500 का। बराबर है, 2500 का बिल था, उसमें से कितना दे दिया? 1000। तो 2 कैश, 1000। इंटरेस्ट भी लग रहा है क्या हमको? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50। पुराना वाला बिल पेबल पूरा खत्म हो गया 2500 का, बैलेंसिंग फिगर के लिए नया बिल। प्लीज किसी को नहीं समझाओगे तो मुझे वापस पूछो, मेरे पास एक और तरीका है बताने का, लेंदी तरीका है, बट किसी को नहीं समझाओगे तो प्लीज एक बार वापस पूछना। क्लियर है? तो क्या पहली एंट्री सभी की क्लियर हो गई क्या? पक्का? किसके बुक में है ये? ड्रॉई कतरक के बुक में चल रहा है। पहला वाला ट्रांजैक्शन क्लियर? डन। ये लिखा हुआ है सभी के पास? फर्स्ट कल ही बताया था ना लास्ट लेक्चर में। दूसरा, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000। मुन्ना ध्यान देना, जी गुप्ता का जो एक्सेप्टेंस है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, सब लोग प्लीज बातें मत करो। मुन्ना आपको नहीं समझा? पक्का? माँ कसम। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस, फिर आसपास क्यों बातें कर रहे हो आप? फॉर रुपीज 4000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू एम मेहता वॉज डिसऑनर्ड।
मेहता पेड़ आपको 1,00,000% कंसंट्रेट करना होगा, एड़े गबाड़ों का काम नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया, नहीं समझ में आने वाला है क्वेश्चन। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते तो आपको आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत बड़ा नहीं होगी, आपका बीस्ट मोड ऑन कर दो, तूफान कंसंट्रेट करो, वरना नहीं होगा। तो जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000 विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता वॉज डिसऑनर्ड, मेहता पेड 20 नोटिंग चार्जेस, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। भाई साहब कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, देखो तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको। क्या लिखा है पढ़ो, सेंटेंस पढ़ना वापस मन के मन में। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस एंडोर्स किया कतरक ने मेहता को, फिर से गुप्ता का एक्सेप्टेंस कतरक क्यों एंडोर्स करेगा, क्योंकि गुप्ता का एक्सेप्ट किया हुआ बिल कतरक के पास आया होगा, तभी तो कतरक आगे एंडोर्स करेगा ना। गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 एंडोर्स्ड बाय कतरक टू मेहता, मतलब गुप्ता ने कतरक के लिए बिल एक्सेप्ट किया, गुप्ता के लिए बिल पेबल, कतरक के लिए बिल रिसीवेबल, और ये बिल रिसीवेबल कतरक ने आगे एंडोर्स कर दिया मेहता को। अब वो बिल रिसीवेबल किसके पास है, और ड्यू डेट के दिन जब मेहता गया गुप्ता के पास बिल लेकर के, तो गुप्ता ने मेहता को पैसा नहीं दिया, डिसऑनर्ड हो गया ना। क्या बोलते भाई लोग, समझ में आएगा, स्टोरी सिंपल है ना एकदम, आगे ध्यान देना। और जब ये मेहता इसके पास गया तो नहीं दिया, तो मेहता ने नोटिंग चार्जेस कितने पे किए, अब बताओ मेहता नोटिंग चार्जेस पे करके किसको गाली मारने आएगा, कतरक को, क्योंकि कतरक से ही बिल गया था ना उसके पास। मेहता के पास बिल कहां से गया, कतरक से। तो मेहता आया कतरक के पास और कतरक को बोला कि तुझसे जो मैंने बिल लिया था ना, वो कोई तो गुप्ता बिप्ता का था, उसने बिल का पैसा नहीं दिया, चल वो पैसा तू दे। बोला ठीक है, कितने का बिल था, उसने बोला बिल था 4000 का, बोला ये ले चल 4000 रुपये। बोले रुक, 20 रुपये नोटिंग चार्जेस भी दे, बराबर है ना। तो हमने मेहता को पेमेंट किया क्या, यस अगेंस्ट चेक, तो हमने मेहता को पेमेंट कर दिया है, कितने का पेमेंट किया हमने, तो टू बैंक 4020, सीधा मेहता को चेक दे दिया, मतलब ये ले चल खत्म ना, निकल यहाँ से। और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा, अब गुप्ता की तरफ, अपनी तरफ क्यों देखूंगा, मैं छू ना कतरक, मैं गुप्ता की तरफ देखूंगा, गुप्ते कुत्ते तेरी वजह से 4020 रुपये मेरे गए हैं, चल वो मैं तेरे से लेने वाला हूँ, गुप्ता मेरा क्या बन गया, खेल खत्म, हो गई एंट्री, इतना सिंपल था। अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो थोड़ा दिन बात करेगा, अभी क्या भी नहीं करेगा, देखो यही है क्या, यस गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्होंने दो अलग अलग किया, टू मेहता बाय मेहता कैंसल, देखो क्या आया, गुप्ता टू बैंक, तुरंत पेमेंट कर दिया ना चेक का, आया क्या रे, इजी था कि नहीं, एक बार वापस सुनना जो बच्चों को नहीं समझा, देखो देखो आपके यस में मुझे दम नहीं लगा, वापस सुन, सेम स्टोरी वापस बता रहा हूँ। गुप्ता ने बिल एक्सेप्ट किया कतरक के लिए, कलर चेंज करोगे ना तो सेम लगेगा, नौशिया फील हो जाएगा आपको। गुप्ता ने बिल एक्सेप्ट किया कतरक के लिए, कतरक के पास क्या आ गया, बिल रिसीवेबल, और ऐसा लिखा है कि कतरक ने वो बिल एंडोर्स कर दिया मेहता को, मेहता किधर है, बराबर है ना, बिल एंडोर्स कर दिया, ध्यान देना। अभी बिल इसके पास है क्या, नो, अभी बिल किसके पास आ गया, इसके पास। और ड्यू डेट के दिन पहले नीचे से गए थे ना, ऊपर से जाते ऐसे, मेहता आया गुप्ता के पास ऑन ड्यू डेट, और गुप्ता ने मेहता को पैसे देने चाहिए थे, बट
नहीं दिए। अब जैसे ही वो बिल डिसऑनर हो गया, मेहता मेरे पास आया, बोला ऐसी ऐसी बात हो गई, तुझसे जो बिल लिया था कतरक, तुमसे जो बिल लिया था वो बिल डिसऑनर हो गया है, अब वो पैसा तुम दोगे, और हमने उसको चेक दे दिया, ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले ड्यू करो, डायरेक्ट चेक मत दो। अब लिखा था, चेक दे दिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जैसे ही मेहता मेरे पास आया, मैंने मेहता को बोला हाँ ठीक है, तू मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। मेहता बोला 4020 से क्रेडिटर बना। मेहता मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। अब मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा? गुप्ता की तरफ। गुप्ता मेरा क्या बन गया फिर से? और क्वेश्चन में लिखा है चेक दे दिया। चलेगा क्या? या तो ऐसा लिखो, या टू मेहता बाय मेहता, मेहता मेहता गुप्ता अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। या तो आप पहले ड्यू कर लो फिर पे करो, या डायरेक्टली पे कर दो। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो? ऐसा लगाए? अच्छा देन, डायग्राम के साथ लिख लिया क्या सभी ने? स्क्रॉल करो उसके बाद। मैं ऐसा सोच रहा हूँ आप लिख रहे हो मेरे साथ साथ सारी चीज़ें जो है डायग्राम में बना रहो। अगर आपने अभी डायग्राम नहीं बनाई तो 15 दिन बाद ये खोल के देखना क्वेश्चन, सेम वैसे ही लगेगा जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ ये डायग्राम बनाते जाओ, जितना ज़्यादा अभी आपका हाथ चलेगा उतना ही पेपर में आपको नंबर मिलेंगे। अभी आप आलस करोगे, नहीं लिखोगे, पेपर में मुश्किल हो जाएगी। डी दलाल रिटायर्स बिल फॉर रुपीज 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक और 10% फॉर रुपीज 10 डिस्काउंट। बोलो, हमने दलाल के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था, उसने ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, हमारे पास पैसे आए क्या? तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया? 2000 में से 10 रुपए का डिस्काउंट दिया ना, 1990 डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट। और ये बिल था ना, बिल दलाल मत लिखना, टू बिल रिसीवेबल, हमारे पास वो बिल रिसीवेबल था, ड्यू डेट के पहले उसने पेमेंट कर दिया, हमने बिल दे दिया, उसने पैसे दे दिए, बिल रिसीवेबल कम हो गया ना हमारे पास से, अब पेमेंट हो गया। तो बिल रिसीवेबल कितने का था? 2000 का। असेट कम होती है तो असेट को क्रेडिट करो, देखो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, तीसरा वाला एंट्री सिंपल है। कतरक ने दलाल के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, कतरक के लिए था बिल रिसीवेबल, दलाल के लिए था बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल था 2000 का, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट कर दिया, हमारे पास पैसा आ गया, हमने 10 का डिस्काउंट दिया, कितना पैसा आया होगा? डिस्काउंट दिया इतने का, पैसा आया इतना, और बिल रिसीवेबल कितने का चला गया? 2000 का। बिल रिसीवेबल कितने का चला गया? 2000 का। यस और नो लिखो फटाफट से। डन लिखा सभी ने? किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। बोल बेटा। हाँ अच्छा, एक बच्चे ने डाउट पूछा सर दलाल अकाउंट क्यों नहीं लिखते। ध्यान दे बेटा, ये के ने एक डी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसा समझ के ने बी को उधारी माल बेचा होगा 2000 रुपए का, भरोसा नहीं था इसने बिल ड्रॉ किया, बरोबर, कितने का बिल ड्रॉ किया होगा? 2000 का। बिल एक्सेप्ट कर दिया डी ने, बिल इसके पास आ गया, बिल रिसीवेबल, बोल एंट्री क्या किया होगा इसने, के बुक में एंट्री क्या रहेगी बता? रिवीजन ना करने का नतीजा है सभी, सही है क्या? पहली एंट्री क्या एंट्री बताए? एक मिनट रुको,
ऑन क्रेडिट, बरोबर है। अभी ध्यान दे, दलाल ने बिल एक्सेप्ट करके अपने को दे दिया, अपने पास बिल रिसीवेबल आ गया, क्या एंट्री रहेगी उसकी? टू टू, दलाल कहाँ लिखा है? तो दलाल दलाल क्या कर रहा है यहाँ पे? दलाल कहाँ लिखा है मैंने? डी अकाउंट, बरोबर है। चलो बिल किसके पास है? ये बिल लेकर के ये गया ड्यू डेट के दिन किसके पास? दलाल के पास। इसने डी को क्या दिया? बिल। और डी ने इसको क्या दिए? बोल एंट्री क्या रहेगी उसकी? हाँ क्यों क्यों डी क्यों नहीं क्रेडिट किया? अरे बोलना, अरे यहां पे डी क्यों नहीं क्रेडिट किया? डी, मेरा सवाल है तेरे से, जो तूने 2 मिनट पहले मुझसे पूछा था कि सर डी क्यों नहीं क्रेडिट किया, मैं भी तो देखो वही पूछ रहा हूं। तूने बिल रिसीवेबल जवाब दिया इसका, बिल रिसीवेबल क्यों लिखा, डी क्यों नहीं लिखा? हाँ दे रहे उसको एक कान के नीचे बजा साले को, देख खुंदल खुंदल के गीला करके मार उसको पहले। डी को क्रेडिट करूं क्या? अरे डी का हिसाब खत्म हो गया, कैसा बोलता मुझ तो वो भी कर सकता। ये डी को माल बेचा, डी से बिल आया, टू डी, डी का हिसाब खत्म। अब मैं उसको बिल दे रहा हूं ना, बिल दे के उसने मुझे क्या दिया? पैसा। मेरे पास पैसा है तो पैसे को डेबिट करो, और दिया क्या मैंने बदले में? बिल। बिल रिसीवेबल नाम की असेट डी ना, तो क्रेडिट क्या होगा, डी या बिल रिसीवेबल? खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही सवाल पूछ रहा है। क्या नाम क्या है आपका? हाँ श्रेयस, ये समझा क्या तुझे? जो भी नाम है वॉट एवर, ध्यान दो इधर में, क्यों यहां पे ए क्यों नहीं क्रेडिट किया, बी क्यों नहीं किया, एक्स क्यों नहीं क्रेडिट किया, आपने बिल रिसीवेबल ही क्यों क्रेडिट किया, समझ में आया क्या? अरे भैया उसको दिया क्या तूने? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नाम की असेट डी, तो असेट बढ़ेगी या कम होगी? असेट कम होगी, तो असेट को क्रेडिट करूं या एबीसीडी एफ जी एच डी को क्रेडिट करूं? किसको? पक्का समझ में आया क्या? ये पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं, हिसाब यहीं पे खत्म हो गया डी का। तू डी को क्रेडिट कर देगा तो वो तेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तुझे क्रेडिटर बनाना है डी को फिर से? यस और नो? पक्की बात? तूने सेम सवाल मेरे को यहां पे पूछा था दलाल के केस में कि सर यहां पे दलाल क्यों नहीं क्रेडिट किया, यहां पे बिल रिसीवेबल क्यों? क्योंकि दलाल से जब मैंने पैसे लिए तब मैंने उसको बिल दिया और उससे पैसे लिए, क्या दिया? बिल रिसीवेबल नाम की असेट डी। असेट डी तो क्रेडिट क्या करूं, असेट को या दलाल को? असेट को। तो मैंने किसको क्रेडिट किया? असेट को। पक्का ना? लिखा सभी ने? उसके बाद गोबर डाउट मत पूछो, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछो, कुछ भी पूछते रहते हैं। तो अब प्रेजेंट था रही सारे लेक्चर में? पक्का प्रेजेंट था ना? घर पे रिवाइज भी कर रहा है, फिर मजे ले रहा है जानबूझ के, बस चेक करने के लिए मास्टर को आता कि नहीं। हाँ किसमें? अरे अभी पिछले 5 मिनट से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पानी शिर लगा, दलाल कैसे क्रेडिट होगा, क्यों होगा? जो बच्चा है रिकॉर्डिंग देख रहा है, कुछ नहीं, ऐसी आज हमारे बच्चे जो है प्यारे मजाक के मूड में। ऑल सेट, तू एकदम सही कर रहा है बॉस, जो भी तू जीवन में कर रहा है ना। आ जाओ ध्यान दो। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, अरे पर क्यों करूं मैं दलाल को क्रेडिट? मैं उसको बिल दे के पैसे ले रहा हूं, मैं दलाल को क्रेडिट क्यों करूंगा? मैं बैंक में दलाल को क्या दे रहा हूं? बिल रिसीवेबल नाम की असेट। मेरे पास एक कार है 10,000 रुपए की, ये कार मैंने दलाल को दिया और बदले में उससे 10,000 रुपए लिए, बोल
बोल एंट्री क्या करूं, कार बेचा मैंने दलाल को 10,000 में, एंट्री क्या करूं? हाँ क्यों क्यों कार क्यों लिखा, दलाल लिखना मूर्ख कहीं का, क्यों यहां पे डी क्यों नहीं लिखा, कार क्यों लिखा, कार क्यों लिखा? पैसा किसके बदले लिया तूने, उधार लिया या कार देके लिया? कार देके लिया तो तू टू कार लिखेगा या टू दलाल लिखेगा? अरे बाबा ये कार की जगह वहां पे बिल रिसोबल नाम की असेट है, अभी मैंने कौन सी असेट दी, ये मैं हूं, ये दलाल है, मैंने दलाल को कार दी और उससे पैसे लिए, मेरे बुक में एंट्री क्या होगी? देखो मूर्ख हंस रहा है फिर भी, कैश अकाउंट डेबिट, आज क्या सोच के आया करे तू कि आज मेरा नंबर लगा के रहूंगा मैं सर से, तू कार लिखो या दलाल लिखो? क्यों कार क्यों लिखा, दलाल क्यों नहीं लिखा? यहां पे एसेट दे दी है मैंने, ये कार की जगह बिल रिसीवेबल नाम की एसेट है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टू बिल रिसीवेबल। अगर मैंने दलाल से पैसे उधार लिए रहते तो मैं लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू दलाल, समझ में आया क्या? मैंने दलाल से पैसे उधार लिए या उसको मैं बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दे के पैसे ले रहा हूं, एसेट दे के पैसे ले रहा हूं, असेट मेरे पास से जा रही है और असेट जब जाती है तो असेट को क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस है, कम हो रही है तो उसको क्या करूं, क्रेडिट। अब तू बता, अब मैंने दलाल को बिल रिसीवेबल दिया और बदले में उससे पैसे लिए तो एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल लिखो या दलाल लिखो? पक्का ना, उठ वहां से, इधर आके बैठ, उठ। वास्तु थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं तेरा, क्या होता कुछ बच्चे विशेष सर्कल में फंस जाते हो, 2+1=4 करते रहते बार बार, अगर उसका वास्तु अभी बैग भी ले ले, बाद में कैलसी के लिए वापस फिर भिख मांगे टाइप पीछे जाएगा और कैलसी दे ये दे वो दे, यही दिखना चाहिए मेरे को रोज। अभी तो कुछ बच्चे तो जगह बोलने के बाद में भी चेंज नहीं करते, तू रोज इधर ही दिखेगा मेरे को, ठीक है? जिस दिन तेरी जगह चेंज हो रिसीट फाड़ के फेंक दूंगा, एडमिशन नहीं मिलेगी क्लास के अंदर में और रिफंड भी नहीं होगा, और अच्छे से ध्यान दो, अब जानबूझ के मजे लेते, चल आ जाओ। अब सब लोग ध्यान देना अच्छे से, श्रेयश जयेश जो भी आपका नाम है अच्छे से ध्यान दो, ठीक है? और आप कितने दिन से क्लास में आ रहे हो, 1 जून से आ रहे हो और फिर भी ये गलती कर रहे हो, अच्छा क्लियर हुआ क्या? पर पक्का ना, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर ₹5,000, डिस्चार्ज बाय पटेल, मोदीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट, चलो कौन बच्चा ट्राई करेगा? हाँ बोल मुन्ना, श्री तू बता, बैठ के बोल दे भाई, बिल्स पेएबल टू बिल रिसीवेबल कैसे? केने हाँ ओके ओके समझा समझा समझा, बैठ जा, और कोई एंट्री? हाँ एंट्री एंट्री